हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बी हेल्दी एंड लिव हेल्दी पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं बालों के विषय में। जानिए डैंड्रफ को हटाने के लिए कुछ सरल घरेलू उपाय। इसे जानने के लिए आप कृपया हमारे वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बी हेल्दी एंड लिव हेल्दी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना हेल्थ और उससे रिलेटेड जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लाते रहता हूं, ताकि आप उन्हें देखें और आप फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की टॉपिक के बारे में। दोस्तों, क्या आप डैंड्रफ को खत्म करने का कोई आसान तरीका खोज रहे हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, बालों में रूसी कई कारणों से होती है जिससे लोग ज्यादातर परेशान रहते हैं। जहाँ लोग अपने बालों को संवारने में लगे हैं, वहीं लोग अपने बालों में होने वाले रूसी के कारण परेशान भी नजर आते हैं। मुख्य रूप से रूसी दो कारण से अधिक देखने को मिलती है, एक तो फंगल इन्फेक्शन और दूसरा चमड़े का रूखा होना। इन कारणों से रूसी होती है। बालों में रूसी होने के कारण सर में हमेशा खुजली होती है और साथ ही साथ ये हमारे बालों को कमजोर कर देती है, जिसके कारण बाल झड़ने लगते हैं और लोग गंजेपन के शिकार हो जाते हैं। आज हर दूसरा व्यक्ति रूसी से ग्रसित आपको नजर आ जाएगा। रूसी का होना किसी खास उम्र के व्यक्ति में नहीं होता, यह किसी को भी हो सकता है, बूढ़े हों या बच्चे हों। एक बार होने के बाद ये जल्दी जाता भी नहीं है। इसे हटाने के लिए लोग बहुत से उपाय करते हैं, कई प्रकार के शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ भी लेते हैं और उनका सेवन करते हैं। कभी कभी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि लोग अपने बालों से रूसी हटाने के लिए कुछ दवाइयाँ या शैम्पू ले आते हैं, जिससे लोगों के बाल में विपरीत असर करता है और अन्य समस्या उत्पन्न कर जाता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि डैंड्रफ होने के असल में कारण क्या होते हैं। अगर आपके बालों में खुश्की हो गई है तो आपको डैंड्रफ भी जरूर होगा। अगर आप सही में डैंड्रफ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डैंड्रफ होने के मेन कारण जानना होंगे, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला है दोस्तों, शैम्पू का अच्छे से ना करना। नहाते वक्त अगर आप शैम्पू को अच्छे से बालों में नहीं लगाते हैं और अच्छे से शैम्पू लगा के बालों को नहीं धोते हैं तो शैम्पू का झाग का एक परत खाल पर बन जाता है, जो रूसी का कारण बनता है। दूसरी चीज है दोस्तों, कंघी का ना करना। मनुष्य के सर में चमड़े का निर्माण नियमित रूप से होता रहता है, अच्छे से कंघी करने पर मृत चमड़ा निकल जाता है। तीसरी चीज है दोस्तों, सर की सफाई समय पर ठीक से ना होना। अपने बालों को हमेशा सही समय पर अच्छे से साफ करते रहना चाहिए, इससे बालों में गंदगी नहीं रहेगी और डैंड्रफ होने की संभावना कम हो जाती है। रूसी वाले बालों में इस्तेमाल किए गए कंघी तौलिया का इस्तेमाल करने से बालों में डैंड्रफ होने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं डैंड्रफ को हटाने के सरल उपाय। जब आपको मालूम चल जाए कि आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है तो उसे हटाने का फौरन उपाय करना चाहिए, ताकि ये पूरे सर में ना फैले। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे आप डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हैं इन आसान उपायों से। नींबू और नारियल का तेल। नींबू में सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो डैंड्रफ को हटाने में काफ़ी कारगर साबित होती है। नारियल के तेल को हल्का गर्म करके इसमें 2 छोटा चम्मच नींबू के रस को मिला लें। नींबू और नारियल के तेल से बने मिश्रण से अपने बालों के जड़ों में हल्का मालिश करें और अपने बालों में आधे घंटे के बाद शैम्पू से धो लें। इस प्रकार को 3 से 4 दिन तक दोहराएं, इससे डैंड्रफ जल्दी ही खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय आपके लिए दोस्तों ये है कि दही। जिस प्रकार सांप का दुश्मन नेवला होता है, उसी प्रकार डैंड्रफ का दुश्मन दही होता है। बाल अनुसार दही लें और इससे अपने बालों के जड़ों में अच्छे से लगाएं एवं अपने बालों में एक परत लगाकर इसे 1 घंटे तक रहने दीजिए और उसके बाद धो लें। दही सिर्फ डैंड्रफ ही नहीं हटाता बल्कि हमारे बालों को सिल्की और शाइन भी रखता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, नीम। नीम हमारे शरीर के लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। यह हमारे शरीर को कई सारी बीमारियों से बचाता है और साथ ही साथ नीम कई बीमारियों का इलाज भी करता है। नीम की पत्ती को अच्छे से पीसकर पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अपने बालों पर लगाइए। बालों में लगाने से 15 मिनट के बाद इसे शैम्पू से धो लें।
चौथी चीज है दोस्तों एलोवेरा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलोवेरा में कई प्रकार के गुण होते हैं, सभी गुणों में एंटी फंगल गुण भी मौजूद हैं और यह गुण हमारे बालों से डैंड्रफ को दूर करने में कारगर है। एलोवेरा के रस को निकाल कर इसको अपने बालों में लगाकर 2 घंटे तक के लिए छोड़ दें। 2 घंटे के बाद इसे सामान्य पानी से धो लें, इससे रूसी जल्द ही खत्म हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद है तेल की मालिश करें अच्छे से। हमारे बालों को स्वस्थ रखने के लिए बालों को तेल की मालिश करना अति आवश्यक है और बालों की मालिश हमारे बालों से डैंड्रफ को हमेशा दूर रखती है। इसीलिए हमें सप्ताह में कम से कम 4 से 5 दिन रोज लगातार मालिश करती रहनी है। उसके बाद है दोस्तों प्याज का रस। अपने बालों से डैंड्रफ को दूर रखने में प्याज का रस भी काफ़ी कारगर साबित है। प्याज के रस को बालों के जड़ों में लगाकर बालों को तौलिया से अच्छे से कवर कर लें और इसे 1/2 घंटे तक छोड़ दें। 1/2 घंटे के बाद अपने बालों को आप शैम्पू से अच्छी तरह से धो लें। दोस्तों अगर इसके अलावा भी आपको कोई और तरीका आता है जिससे डैंड्रफ को कम या ख़त्म किया जा सकता है तो आप ज़रूर से हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो कि बालों से डैंड्रफ को कैसे ख़त्म करा जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त परिवार और बाकी सदस्य भी इसको देखें और इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।